लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स का ट्रांसलेशन बिना कोड को चेंज किए हुए मशीन लैंग्वेज में करते हैं जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है जो कि ज़ीरो एंड वन की फॉर्म में होता है जिसे बाइनरी नंबर्स कहते हैं इसलिए डिफरेंट टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए यूज़र डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर्स का यूज़ करता है ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के काम करते हैं ट्रांसलेटर कहलाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए थ्री टाइप्स के लैंग्वेज ट्रांसलेटर अवेलेबल हैं नंबर वन असम्बलर नंबर टू इंटरप्रिटर नंबर थ्री कंप्यूलर नंबर वन असेंबलर ऐसे सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे लिखे सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं हैंबलर कहलाते हैं असेंबलर कंप्यूटर का वो प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड जैसे नेमॉनिक कोड को मशीन लैंग्वेज में यानी बाइंड्री कोड में चेंज कर देता है जो कि कंप्यूटर के जरिए समझी जाती है सेकेंड इंटरप्रिटर इंटरप्रिटर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जिसका यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एक एक करके ट्रांसलेट करता है और फिर उसकी एक्सक्यूशन करता है प्रोग्राम के एक ब्लॉक का एक्सक्यूशन कंप्लीट करने के बाद ये प्रोग्राम के दूसरे ब्लॉक पर काम करता है और उसको मशीन like लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और उसका एक्सक्यूशन ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता इस प्रोसेस के बीच में अगर किसी इंस्ट्रक्शंस में कोई एरर आ जाती है तो ये प्रोग्राम का ट्रांसलेटर और एग्जीक्यूशन वही रोक देता है और प्रोग्रामर को पहले उस एरर के बारे में अलर्ट कर देता है जिससे कि वो उस एरर को दूर कर दें और ये तब तक आगे नहीं बढ़ता जब तक कि प्रोग्रामर यूज़ उस एरर को रिमूव ना कर दे कंप्यूटर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर प्रोग्राम है ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने का काम करते हैं लेकिन इंटरप्रेटर की तरह ये प्रोग्राम एक एक इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट और एक्जीक्यूट ना करके कंप्लीट प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है अगर प्रोग्राम में कहीं कोई एरर आ जाता है तो ये प्रोग्राम में आए हुए एरर्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करके उसे उससे प्रोग्रामर को शो कर देता है जिससे जैसे कि प्रोग्रामर उन एरर्स को रिमूव कर सके ट्रांसलेशन प्रोसेस को मीडियम से जब सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज किया जाता है उम्मीद है कि ये तीनों ट्रांसलेटर की वजाहत आपको समझ आ गई होगी अगर कोई मसला दरपेश आए तो आप कमेंट कर सकते हैं यू एजुकेट आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए आपके पेशे खिदमत है यू एजुकेट टीम को अपने नेक दुआओं में याद रखें मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ व